तो पल्सर में थोड़ा सा हाथ छोड़ने से थोड़ा सा हिलता है, ज़्यादा नहीं। तो गाइस फाइनली टुपल दे ब्लॉग में आप लोग का सबका स्वागत है, मोटो ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली चलिए आज बात करते हैं, पल्सर से राइडिंग करेंगे हम लोग मोटो ब्लॉगिंग। तो कितना दूर तक और कितना माइलेज देगा, तो फर्स्ट बार हम कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग और एंगल कैसे आ रहा है ज़रूर बताइएगा। और हमको तो ये च्वाइस था बचपन से ही, और सोच रहा था जब नहीं था मेरे पास, मैं सोच रहा था पल्सर ही लेंगे, जब लेंगे मैं बाइक परचेस करेंगे, क्योंकि पल्सर चलाने का एक शौक था मेरे को। और मोटो ब्लॉगिंग का आज टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे कितना में क्या परचेस किए। तो फाइनली देख सकते हैं ये पल्सर 125 सीसी मेरा यहाँ पे है, और इससे आप लोग को दिखाते हैं ठीक से। और ये देखिए हम इससे अभी मोटो ब्लॉगिंग शूट करेंगे, और कितना मज़ा लगता है इससे देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब जब इसका ऊपर बैठ के चलते हैं ना, तो क्या बताऊं गाइस आप लोग को, इतना मज़ा आता है चलने पे। ये वाला नया नया लगवाया, कौन सा बंदा मुझे खोल लिया पता नहीं, मैं लगवाया था ये, और ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरा बाइक अभी न्यू है, अभी मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 6 महीना हुआ है। तो चलिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली, और वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। देख सकते हैं ये रैपिंग वगैरह सब करवाए हैं, स्टिकर सब देख रहे हैं, और यहाँ पे रिंग में उतना स्टिकर वगैरह बहुत काम बाकी है गाइस मेरा ये पल्सर में। और पल्सर में ये काम मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब का लोगो ये सब बढ़िया से रैपिंग वगैरह कराना है, बहुत सारा काम है गाइस फाइनली इसमें। तो क्या बताऊँ आप लोग को गाइस फाइनली इसमें, तो आज हम राइड करके बताने वाला है। ये देख सकते हैं, ये मैं जो कैमरा से कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग, इसमें गाइस आप लोग को बता दूँ इसमें गोप्रो लगा हुआ है। और सबसे पहले मेरे को ये लगा टैंक पे, ये बहुत ही अच्छा था, ये टैंक में बहुत अच्छा था। और मतलब हम जब इसको राइड करते हैं गाइस, मुझे बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये ना बच्चे लोग कुछ इसमें घुसा देता है ना चाबी का, इसमें इसीलिए इसमें ढक्कन दे दिया अब। और अब नया नया पल्सर में बहुत ही अच्छा चीज़ मतलब अपडेट किया गया, और मतलब इसमें जब गाड़ी जब चलता है गाइस इसको रोड में लेके मैं, तब ये छोड़ता नहीं है। और इतना ब्रेक इसका तगड़ा है गाइस फाइनली इसमें, जब भी जहाँ पे भी मारता है खप खप पकड़ता है ब्रेक, और जहाँ पे मार देंगे आगे नहीं बढ़ेगा, और रोड पकड़ के चलता है ये बाइक। और इसमें जब आप बैठ के चलेंगे ना, तो आपको ऐसा वाला फील देगा ना, तो आप समझ सकते हैं। और जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, राइडर है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग को क्या चाहिए। मेरा क्वालिटी थोड़ा कम हो गया है इसलिए कि मेरा नेट का प्रॉब्लम, तो हम 1080 में नहीं 360 क्वालिटी में कर रहा है। मेरा डाटा पैक बहुत कम है और लंबा वीडियो है, इसीलिए मेरा क्वालिटी कम हो रहा है। तो मैं 1080 से प्लस में शूट किए हैं वीडियो को, और देख सकते हैं एंगल बहुत अच्छा आ रहा था। तो आप लोग गोप्रो से कर सकते हैं कोई भी बाइक हो, तो मेरा तो ये बसंती इतना अच्छा लगा पल्सर 125 सीसी, तो आप लोग को क्या बताऊं। और मैं अभी राइडिंग कर रहा हूं, सबसे पहले मैं निकला, तो आप लोग को मैं टॉपिक ये है गाइस आज की, मैं क्या चीज़ मोटो ब्लॉगिंग में इसमें जो बेस्ट किया है, पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है कितना लगाया, और ये जो ऐसे मेरे को इतना मैं सेटअप कर चुका। तो गाइस इसमें फाइनली सारा बात मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए फाइनली कि कैसे मैं क्या किया। कि देखिए 2018 का बात है, उस टाइम में मैं सोच रहा था, देख रहा था यूट्यूब में वीडियो, और उस टाइम में 18-19 में ना ये बात है कि जियो नहीं आया था, बहुत ही दिक्कत होता था। तो अभी जियो आ गया, उस टाइम में वीडियो बनाना और देखना कोई उतना पसंद नहीं करता, तो उतना डाटा पैक ही नहीं था, 100 रुपया में 1 GB ना 1.5 GB ऐसे कुछ आता था, तो बहुत ही मतलब महंगा था ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी जियो जब से आया ना, तब से लाइफ चेंज हो गया, सबका सब वीडियो डाल रहा है और बना रहा है और देख रहा है, ज़्यादा यूट्यूब पसंद कर रहा है। तो फाइनली मैं भी उसे ही था, तो अभी मैं सोचते देखते देखते बाइक लिए, वो भी बाइक है मेरा पास में नहीं रहता उतना, क्योंकि घर पे रहता है और मैं कहीं अदर कंट्री में रहता है स्टेट में ठीक है। तो उससे ये वाला क्या होता है, मोटो ब्लॉगिंग करने में एक कैमरा लिया गोप्रो, उससे गोप्रो कैमरा जो होता है वो हेलमेट माउंट में लेके और पल्सर लेके चलते हैं, तो ये क्वालिटी भी। और जब भी धूप में मैं निकलता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा मेरे को मज़ा आता है वीडियो शूट करके। और कोई तो आपको कुछ भी बोलेगा, पागल बोलेगा या कुछ भी बोलेगा, लेकिन आप करने क्या चाह रहे हैं, आप जो करने चाह रहे हैं वो कोई नहीं समझेगा, और आप करते रहिए काम। तो ये मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं मेरे को बहुत आदमी बोलता है, और बहुत आदमी बोलता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरे को हाईवे पे मैं चला ना, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये शूटिंग करके। और सारा कैमरा वगैरह आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि कैसा है, कितना में लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। तो मैं कोलकाता से परचेस किया है, मेट्रो गली चांदनी, और दुकान का नाम है MM फोटोग्राफिक ठीक है, वहाँ से जाके। और आपका पास स्कूटी है तो या कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, और मैं तो इससे कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है ये। और एंगल देख के मेरा दिल खुश हो जा रहा है गाइस, देख सकते हैं सामने में इतना सुपर व्यू दे रहा है। और
और नीचे में इतना हैंडल बार देख रहा है मेरा, और इसी को बोला जाता है एकदम प्रॉपरली फुल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखें और मेरे को फॉलो करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, थोड़ा फुल वॉच करें। तो वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है आप लोग को, और हम जो वीडियो बनाते हैं ना बराबर इससे साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। और फाइनली हम अभी आज बाइक पे इसलिए आए हैं कि बाइक में गांव पे आए हैं, तो गांव में ये मेरा बाइक रहता है, मैं थोड़ा शहर में रहता हूँ इसीलिए मेरे पास बाइक नहीं रहता। जब मैं गांव आया तब गांव में आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा इधर का लोकेशन कैसे लगा और वीडियो कैसे लगा पल्सर से मैं राइडिंग करते हुए, तो आप लोग अगर ब्लॉगर मोटो ब्लॉग करने चाहते हैं, तो आप लोग अगर राइडर बनने चाहते हैं, तो मेरे तरह वीडियो रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं, तो मोटो ब्लॉगिंग में बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और बहुत रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा आप लोग को। और गाइस फाइनली आप लोग मेहनत अच्छा से करेंगे, अच्छा से करेंगे उतना जल्दी आप लोग को रियल मतलब इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और फाइनली आप लोग करिए और इतना जल्दी रिजल्ट मोटो ब्लॉगिंग में मिलेगा आप लोग को, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने को पूछो ही मत। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कि मेरे को कंटेंट जो वीडियो बनाएंगे उसको मैं हाई लेवल और ऑडियो क्वालिटी हाई लेवल में आना चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे बैठा है। और आपको जब नया नया स्टार्ट करेंगे छोटा में, आप छोटा यूट्यूबर रहेगा, आपको कोई पहचानेगा नहीं, तो आपको नहीं पहचानेगा आपका क्वालिटी जो कंटेंट रहेगा, वीडियो ऑडियो क्वालिटी जो आपका HD क्वालिटी में रहेगा और अच्छा रहेगा, तो उसको पहचानेगा आदमी और उसको उसका थ्रू से आपको पहचान बनेगा और आपका ऑडियंस बनेगा और आपका यूट्यूबर एक वो क्राइटेरिया जगह यूट्यूब पर जगह मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो क्वालिटी कैसे आ रहा है। और मैं तो फाइनली डेली मेरा मोटो ब्लॉगिंग साइकिल से आता है, साइकिल मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, बट बाइक मिला तो बाइक से आप देख सकते हैं किस तरह का मेरा आ रहा है। तो लेकिन एक चीज़ है, मैं GoPro लेने के लिए बहुत दिन से तरस रहा था और बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं बहुत बार देख रहा था, नहीं ले पा रहा था। यार होता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम रहता है। और ये समझ सकते हैं GoPro का दाम गाइस, जो नहीं जानता GoPro को, जो जानता है GoPro रिसर्च मारिएगा। आप अगर फुल सेटिंग करने जाओगे GoPro को तो आपको ना कम से कम 30 से 37 हज़ार रुपया लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं माइलेज भी बहुत अच्छा बढ़िया दे दे रहा है और मैं गाड़ी को खींचते हैं, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, खींचने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी खींचना है खींच सकते हैं इसको गाड़ी को। कोई बोलता है ना कि चक्का उक्का स्लिप करता है, गाइस कुछ नहीं करता, एक प्रॉब्लम होता है नदी उदी या कहीं कीचड़ उचड़ में ज़्यादा मतलब वो रहता है, उसमें नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वजनदार भारी गाड़ी रहता है उसमें ना दिक्कत हो जाता है निकालने में, धस जाता है, रनिंग करता है चक्का, ये सब चीज़ दिक्कत आता है। ये सब चीज़ आपको रोड में लेकिन जाना है, नदी नाला इसमें नहीं घुसाना होता है, क्योंकि इसमें घुसाएंगे ना इसमें ये गाड़ी जो भारी रहता है ना रनिंग ज़्यादा मारता है तो धस जाता है। अगर सिंगल है आप चल रहे हैं कहीं पर, अगर नदी आया तो आप उसमें नहीं घुसाइएगा, अगर ज़्यादा दूर मोड़ घूम के रोड अगर है तो उसमें जाइएगा। कच्ची रोड में जा सकते हैं बट गिल्ला कीचड़ वगैरह ये सब चीज़ में ना जा सकते हैं, बट नदी वगैरह ये सब नदी नाला में घुसाने का नहीं है। तो ये बांका बोसी का तरफ हम ये राइडिंग कर रहे हैं, कैसे लग रहा है ये एरिया, और मैं देवघर से खींचें इसको, अपना बाबा नगरी से देवघर से खींचें इसको, खींचे दारा दुमका होते हुए। तो मेरे को ये जो मज़ा आया ना गाड़ी में, झारखंड में लिया, झारखंड नंबर है मेरा, और वहाँ से हम इसको सर्विसिंग कराने गया था फाइनली, वहाँ से खींचें गाड़ी को, तो इतना मज़ा आया ना मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, तो इतना मज़ा आया कि मत ही पूछो। और आप लोग ये देख सकते कितने किलो गाड़ी मेरा चल चुका है और यहाँ पे खड़ा कर दिए आके, मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। तो फाइनली लाइक कीजिए, फॉलो